और वही फिरोजाबाद पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि घटना के 48 घंटे के बाद रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला शिकोहाबाद के स्टेशन रोड का है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इधर ही इनको सूचना मिली थी कि जो कल एक घटना हुई थी थाना शिकोहाबाद में, जिसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें पुलिस कल से लगातार प्रयासरत थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज और के आधार पर उसमें एक व्यक्ति की पहचान पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसको जो विक्टिम से भी दिख पाया गया था उसने भी उसकी पुष्टि की थी, जिसका नाम दीपक उर्फ मुल्ला के रूप में उसकी पहचान हुई थी, जिसकी पुलिस बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सूचना मिली थी कि वो इसी क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है। इस दौरान पुलिस जब इस यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक उसको देख के पुलिस ने जब उसको रोकने का प्रयास किए तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया है। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ है, उसे तत्काल यहाँ से उपचार के लिए भिजवाया गया है। बाकी से अभी और विस्तार से उससे पूछताछ की जाएगी।